तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि थर्ड पार्टी में जब आपको जॉब मिलती है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट पे आपको जब जॉब मिलती है तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है, और जब थर्ड पार्टी से आप कंपनी के ऑन रोल पे जाते हो क्या तब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंपनी में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए से किसी MNC कंपनी में जब आप प्लेसमेंट लेते हो ना, तो उस टाइम आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो आपका जो कंसल्टेंट पार्टनर है ना, जिस थर्ड पार्टी के आप ऑन रोल पे हो, वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट कराते हैं, और वो बहुत अच्छे से कराते हैं। क्योंकि फॉर सपोज आप मान लो किसी बंदे को प्लेसमेंट कराया किसी MNC कंपनी में, और उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऐसे ही करा दिया, नॉर्मली करा दिया, और कल को अगर वो पकड़ा जाता है MNC कंपनी में, तो क्या करेगी MNC कंपनी, उस वेंडर को उठा के बाहर फेंक देगी, मतलब जो आपकी कंसल्टेंट पार्टनर है ना उसको उठा के बाहर फेंक देगी। तो इस वजह से वो लोग बहुत अच्छे से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं। वहाँ पे कंपनी आपकी नहीं कराती है, 70% केसेस में कंपनी आपकी नहीं कराती, लेकिन 30% केसेस में कुछ MNCs ऐसी भी हैं, थर्ड पार्टी से भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, MNC कंपनी से भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो ये दोनों वेरिफिकेशन वहाँ पे आपसे आपके कराए जाते हैं, बिफोर मतलब कि आपके जाने के पहले ये चीज़ें जरूर क्लियर होती हैं। अभी होता क्या है, जैसे कंपनीज होती हैं, जैसे विप्रो हो गए, TCS हो गया, IBM, HCL, टेक महिंद्रा, जितनी भी MNCs कंपनी है, वो थर्ड पार्टी पे कैंडिडेट को हायर किया, उनकी एक टर्म एंड कंडीशन होती है, उनकी एक पॉलिसी होती है, इंटरनल पॉलिसी, कि आप अगर थर्ड पार्टी से उस कंपनी में 2 साल 3 साल या मैक्स 4 साल अगर आप उस कंपनी में रुकते हो और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो क्या करती हैं, थर्ड पार्टी से उस बंदे को ऑन रोल दे देती हैं, मतलब उस कंपनी को फुल टाइम एम्प्लॉय कंसीडर कर लेती हैं, उस एम्प्लॉय को वो फुल टाइम एम्प्लॉय कंसीडर कर लेती हैं, यानी कि वो अपने पेरोल पे ले लेती हैं। इसके बाद जब वो अपने पेरोल पे लेती हैं, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का प्रोसीजर भी होता है कई कंपनीज में, ज़रूरी नहीं कि हर एक में हो, लेकिन विप्रो में और एक दो कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर करना पड़ता है, तो वहाँ पे जाने के बाद जब आप ऑन रोल पे कन्वर्ट होते हो तो फिर से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती हैं, जब भी आप थर्ड पार्टी से ऑन रोल में जाते हो, और वो फिर अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती हैं। इसके बाद अगर आप उस कंपनी में ऑन रोल पे चले जाते हो, उसके बाद फिर आपका कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता, फिर आपका परमानेंट वही चलता रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे थर्ड पार्टी में जॉब मिली है और कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स में फेक है, वहाँ से आप बच गए, आप दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो अगर आप थर्ड पार्टी से हो ऑन रोल पे जाओगे तो दोबारा से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। तो एग्जैक्ट ये प्रोसेस होता है हर एक MNC कंपनी का। तो बस यार दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।